हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं डी मार्ट फिर से। तो हम डी मार्ट पहुँच चुके हैं एंड यहाँ से करनी थी फिर से कोई थोड़ी सी घर की शॉपिंग। घर की शॉपिंग के साथ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी जो बच्चों के जैसे स्कूल जाने के या डेली लाइफ के काम आएंगी। तो मैंने फटाफट से इंदु, हरमित और मनराज के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, बिकॉज इंदु हरमित का तो बर्थडे आ रहा है एंड मनराज तो फिर छोटा है, उसके लिए तो लेना ही पड़ेगा ना, वो क्यों पीछे रह जाए। अभी तक मम्मी की शॉपिंग नहीं हुई। मम्मी, भाई, माता। हाँ भाई। चलो भाई 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 भाई। ऑलमोस्ट बहुत सारी शॉपिंग तो हो गई है। अभी मम्मी अपने लिए कुछ देख रही हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब मुझे इतना सुंदर नहीं लग रहा है। हमारा भी नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है? देखो, मेरे किसी का बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे की हम शॉपिंग कर रहे हैं। वो किसका बर्थडे है? ओहो, शर्मा रहे हैं लोग। सो गाइज, हमारी शॉपिंग तो बहुत देर बाद डन हो गई। कम से कम नहीं तो हमें 3 घंटे लग गए ऑलमोस्ट। एंड अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। कहाँ पे मम्मी गुरुद्वारा? नाडा साहब। नाडा साहिब गुरुद्वारा कितने है? पंचकुले में है गुरुद्वारा। सो वी आर गोइंग देयर। कैली इधर देखो। कैली कैली, गुरुद्वारा अभी 2-3 मिनट दूर है और यहाँ पे हमें पहाड़ दिखे हैं। सो ये रास्ता है, बड़ा प्यारा लग रहा है, पहाड़ों वाली फीलिंग आ गई। फाइनली आप पहुँच गए गुरुद्वारे। जी आया नू मम्मी, इतिहासिक गुरुद्वारा। इतिहासिक गुरु गोबिंद सिंह। ओके, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इतने। तुम सारे दसो कमेंट करके तुम आए हुए इतने कि नहीं। मैं तो कह रही हूँ मम्मी यहीं से निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ, ट्रिप यहीं से बना लेते हैं अपना। चले चलो, यहाँ से थोड़े थोड़े दिखने तो स्टार्ट हो ही गए हैं पहाड़। पापा साथ होते तो फटाफट चले जाते हैं हम, 1-2 दिन का ट्रिप तो करके आ ही जाते हैं। चलो कोई नहीं, पहाड़ों को छू के जा रहे हैं हम। कसौली वाले लग रहे हैं मेरे को पहाड़ के। नहीं, जब कसौली गए थे तब इधर से ही गए थे। ओए होए, बंदर देखो कितने सारे। हाँ, पहाड़ों में तो होते ही नहीं। यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं बंदरों की। राजदीप को बड़े पसंद है बंदर। राजदीप तो बंदरों को देख के ऐसे खुश हो जाती है, बड़ी खुश होती है वो बंदरों को देख के। हाँ, उसको बड़े पसंद है बंदर, फेवरेट है उसके तो बंदर। एक बार क्या हुआ था, मैं और मम्मी गुरुद्वारे से आ रहे थे तो मम्मी के हाथ में कुछ सामान था, तो वहाँ पे बंदर था, एक ही था वहाँ पे। उसने बस सामान पन्नी से खींच के मम्मी से ले ली और सारा सामान छीन लिया। वो सारा सामान गिर भी गया था थोड़ा सा, तो मम्मी ने तो छोड़ दिया। मम्मी कह रही मैं नहीं लूंगी वैसे भी, मेरे को ना कुछ कह दे, ये सामान ले जाए, कोई चक्कर नहीं है। जब दिल्ली में हम वहाँ कसौली में हुआ था एक बार ऐसे, कसौली में भी हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था, बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास। जब हम मेट्रो के लिए जा रहे थे गुरुद्वारे से मेट्रो तक ना, हम पैदल जा रहे थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो वहाँ पे मंदिर बहुत है वहाँ पे भी। हाँ, लेकिन तब तो एक आधा ही था। मम्मी वहाँ पे बहुत, कसौली में भी हुआ था मम्मी के साथ ऐसा। तब तो मम्मी ने सबसे पहले हमने अखरोट लिए, वहीं से लिए थे, वो बंदर ने छीन लिए, वो सारे गिरा दिए। मम्मी अपना पर्स छुपाने में लगी हुई है कि पर्स मेरा ना ले जाइए, सामान तो चलो अब गया जो गया, लेकिन पर्स ना ले जाइए कहीं पे बंदर। फिर उसने खाए भी नहीं, सारे गिरा के चला गया। खाए तो ना हमारे काम आए ना उसके आए, पर मम्मी वो खाता भी कैसे बंदर, वो तो केले के शौकीन होते हैं ना। सो गाइज, ये है नेक्स्ट डे और मैं अब व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज कल रात को तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो अभी हो रही है शाम और जिम जाने से पहले मुझे कुछ शॉप करना है आज। मैं फाइनली इतने सालों बाद, मतलब ये चीज़ जो मैं लेने लगी हूँ है तो बहुत छोटी सी, लेकिन मैं इसे लेने से हमेशा ना ऐसा होता था, मुझे लगता था कि वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है, छोड़ तुझे ज़रूरत नहीं है, छोड़ तुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं लेती नहीं थी। लेकिन आज मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि मैं आज बाय कर लूँगी।
पहले मुझे लगता था वर्थ नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वर्थ है, बिकॉज इस टाइम पे मुझे नीड है. सो इसलिए मैं आज बाय कर लूँगी. वो क्या चीज़ है वो आपको मैं लेकर ही दिखाऊंगी. इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़, लेकिन पहले मुझे लगता था कि वर्थ नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे नीड है. सो इसलिए आई एम गोइंग टू बाय दिस टुडे. सो अभी मैं निकलती हूँ. एंड आज बिल्कुल भी मेरा उठने का, घर से निकलने का, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी. पता नहीं आज इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है, और अभी तो मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली में तो और ज़्यादा गर्मी होगी. सो आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट मेरा दिल्ली जाना ज़रूरी है. सो आई हैव टू गो. एंड दिल्ली मुझे क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है, वो आपको मेरे आगे वाले व्लॉग में पता चल जाएगा. सो लेट्स सी क्या होता है. अभी तो सारा कुछ हौच पौच हो रखा है, बाकी मैं व्लॉग करती रहूंगी. एंड आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो. अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ सिमरन यू हैव टू व्लॉग, यू हैव टू व्लॉग. तो लड़के का कर गया दिमाग काम. मैंने स्टोर पे कॉल करा सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं इतनी दूर जाऊं और वहां पे मुझे स्टॉक ही ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान लेने जाते हैं स्टोर पे और स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, तो इस चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है. तो मैंने क्या करा, मैंने कॉल करके पता कर लिया कि अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं किसी और दूसरे स्टोर में जाऊँगी. तो मैंने कॉल करा और उनका स्टोर 9 बजे तक ओपन है. तो अभी बज रहे हैं 8 और स्टोर है 9 बजे तक ओपन, तो हम थोड़ी देर में बस वहाँ पहुँच जाएंगे. सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं क्रोमा. यहाँ से लेना है मैंने सामान. अब ये इससे पहले बंद हो, फटाफट भागो. क्रोमा से मैं निकल गई हूँ और मैंने सामान ले लिया है. जो मैंने लेना था वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी. सो अभी मैं आई हूँ जिम, और आज मैं हो गई लेट. सोचा कि वाई नॉट जिम चले जाते हैं, वही मिस नहीं करना. सो गाइज मैंने जिम कर लिया है एंड मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है. मुझे फेस पे बिल्कुल भी स्वेटिंग ढंग से नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती है, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ. अब वी हैव टू गो टू होम. लेकिन घर जाने से पहले मुझे अपना कुछ डाइट का सामान लेना है, एंड मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं फालतू चीज़ें ना खाऊं, बिकॉज 80% डाइट का रोल होता है और 20% वर्कआउट का. सो सबसे मेन चीज़ जो है वो डाइट ही है. अगर आप वर्कआउट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो और डाइट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ये चीज़ मुझे अब समझ आई है, बिकॉज नाउ आई रियली वॉन्ट सम रिजल्ट. मेरा मोटिव मेनली है मिनिमम टू मिनिमम मैंने 10 kg कम करना है, और मैक्स टू मैक्स 15 kg. सो सबसे पहले मैंने 10 kg का अपना टारगेट रखा है. जब भी आप जिम कर रहे हो, एसी चला लो भाई, अब थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी एसी की, बट कर लेना बर्दाश्त. जब भी आप जिम कर रहे हो तो अपना सबसे पहले टारगेट बनाना स्टार्ट करो. टारगेट के बिना आप जिम करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैंने 2-3 महीने ऐसे ही करा है, तो कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ना मैं डाइट कर रही थी. बिना टारगेट के बंदे का माइंडसेट नहीं होता, तो ना डाइट होती है ना कुछ होता है. सो इसलिए मैं अब ये प्रॉमिस कर चुकी हूँ अपने आप को, किसी को करने से पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि आई हैव टू लूज कम से कम नहीं तो 10 kg तो मैं कम करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज मेरे दिमाग पे ना एक चीज़ मतलब ने असर कर दिया, वो है कि मैंने अपनी पुरानी 2 साल पुरानी फोटोज एंड वीडियोज देख ली, और भाई मैं हैरान हूँ, आई एम टोटली इन शॉक कि भाई क्या है, मतलब ये मैं ही हूँ. तो मुझे, मैं वैसी चाहिए हूँ, मेरा कोई और मोटिवेशन नहीं है. मेरी वो मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ, मतलब मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद ही हूँ. मुझे, मैं जैसी थी मुझे मैं वैसी ही चाहिए हूँ, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो करूँ. तो गाइस मैं तो दिखाना ही भूल गई कि मैं लेके क्या आई थी. तो आज जो मैं लेने गई थी वो क्या था वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ. मैंने लिए हैं एप्पल के एयरपॉड्स. यू कैन सी ये 2nd generation एयरपॉड्स हैं, एंड ये मैंने क्रोमा से लिए हैं. फाइनली मैं ना थोड़ी सी कंजूस हूँ, फाइनली पैसे बचाते बचाते मैंने आज 2 सालों बाद, जो 2 साल से सोच रही हूँ चीज़ की ले लूँ, फिर सोचती हूँ रहन दूँ, ले लूँ फिर सोचती हूँ रहन दूँ, क्या करने पैसे वेस्ट करने.
बट आज मैंने ले लिया है। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन आज मैंने फाइनली ले ही लिया। तो बहुत टाइम से आई गेस 2020 से मैं सोच रही थी कि एयरपोर्ट्स ले लूँ, मतलब ऐसे दिमाग में आ रहा था। बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि वर्थ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है लेके, किसी काम के नहीं है, एयरफोन से काम चल जाता है। लेकिन अब मुझे लगा कि ले लेने चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे जिम जाना होता है, जिम में एयरफोन्स लगाने मुश्किल हो जाते हैं, एयरफोन्स नहीं लगा सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने एयरपोर्ट लिए हैं कि जिम में गाने सुनते हुए मतलब टाइम का पता नहीं लगता। मेरे को आदत है बचपन से, मैं जब भी बचपन से तो नहीं, मतलब जब से थोड़ी सी होश संभाली है मैंने, जब भी मैंने किचन में कुछ काम करना या मैंने घर पे कुछ काम करना तो मैंने एयरफोन लगा लेने और फिर मैंने काम करना और फिर मेरा काम फटाफट हो जाता था। मुझे पता भी नहीं लगता था कि अच्छा मैंने काम कर लिया, जस्ट बिकॉज मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं गाने सुनते सुनते कोई भी काम फटाफट कर लेती हूँ। तो मुझे था कि जिम में गाने चलते हैं लेकिन वो वाइब सी नहीं आती है, वो जो कानों में लगा के वाइब आती है ना, वो वाइब नहीं आती है जिम में। तो इसलिए एक तो जिम के लिए चाहिए था और नॉर्मल वीडियोस में भी ये काम आएगा, कई बार ऐसा होता है बाहर वीडियो बनानी पड़ती है तो नहीं सुनाई देता है, तो एयरपोड्स लगा के इजीली बन जाएगी। अब इसका प्राइस जो मुझे रिसीव हुआ है वो हुआ है 13,500, हाँ 13,500 के ये क्रोमा स्टोर पे मिल रहे हैं, लेकिन एप्पल स्टोर पे ये 14,900 रुपीज़ के मिल रहे हैं, मतलब 15,000, तो पूरा 1500 का डिफरेंस है क्रोमा स्टोर में और एप्पल स्टोर में। और HDFC के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे आई गेस दोनों पे या शायद दोनों में से एक पे 1000 रुपीज़ का कैशबैक भी था, दोनों जगह सेम था। लेकिन अगर आप क्रोमा से लेते हो तो आपके 1500 वो बच जाएंगे और 1000 ये, मतलब पूरा 2500 रुपीज़ आप बचा सकते हो। बाकी अगर आप एप्पल स्टोर से लोगे तो कैशबैक तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो 1500 क्रोमा से लेने से कम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। एप्पल का प्राइस वही है 14,900, लेकिन मुझे इस पड़ा है इसका प्राइस 13,500 और कैशबैक जो है वो 1000 रुपीज़ का मिला है। मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी डाली थी कि गैस कीजिए, मैंने स्टोर की ऐसे पिक्चर डाली थी क्रोमा स्टोर की, उस पर लिखा था कि गैस कीजिए मैं कुछ लेने आई हूँ और बहुत छोटी सी चीज़ है ये वो करके। तो काफ़ी सारे लोगों ने गैस सही करा था एंड काफ़ी सारे लोगों ने गलत भी करा था। जो फर्स्ट गर्ल थी जिसने गैस करा था उनकी आईडी मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, कल मुझे जाना है दिल्ली, उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है सारी एंड अब मुझे देखना है बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इंदु हरमीत और चाचू चाची मतलब सबके लिए, मनराज के लिए भी हैं कुछ चीज़ें। बिकेस क्यों वो आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगा, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, काफ़ी कुछ है। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ एक्टिव रहने की, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।